नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर लाइफ डिटेक्ट करी है। हमसे 124 लाइट ईयर्स दूर बैठे एक्सोप्लैनेट K2-18b को रिसर्चर्स पिछले 10 सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ईयर 2022 से जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके इस एक्सोप्लैनेट को ऑब्जर्व किया गया, तो जो ऑब्जर्वेशन सामने आए उसने सभी को चौंका दिया। फ्रेंड्स, मैं यहाँ लंबी लंबी फेक नहीं रहा, सच में ऐसा हुआ था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और K2-18b के लीड रिसर्चर निक्कू मधुसूदन ने BBC को इंटरव्यू देते टाइम ये खुलासा किया था। K2-18b के स्पेक्ट्रोग्राफ को एनालाइज करने पे पता चला कि इस एक्सोप्लैनेट पर मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की ढेर सारी मात्रा मौजूद है। स्पेक्ट्रोग्राफ में कुछ और भी ऐसा दिखा जिसे अनऑफिशियली एलियन फार्ट्स कहा गया। इन एलियन फार्ट्स से लाइफ एग्जिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे हैं, ऐसे सिग्नल्स जो आज तक अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पर ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं। आखिर क्या है ये एलियन फार्ट्स? इनको हमने पहले क्यों नहीं डिटेक्ट किया और इतने सालों के बाद इसे कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? फ्रेंड्स, K2-18b को 2015 से ही ऑब्जर्व करने के बावजूद एलियन फार्ट्स की प्रेजेंस के बारे में हम सितंबर 2023 में ही जान पाए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एलियन फार्ट्स को सिर्फ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ही डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल हो पाया। हमसे 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L2 पे मौजूद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जनवरी 2022 से ही डीप स्पेस को ऑब्जर्व कर रहा है। इस टेलीस्कोप के एक्सटेंडेड वेवलेंथ और अनमैच प्रिसीजन की वजह से फार्देस्ट गैलेक्सी और ओल्डेस्ट ब्लैक होल के साथ साथ K2-18b को भी इतने डीपली ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल हो पाया, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से कर पाना पॉसिबल नहीं होता। K2-18b के जो लेवल ऑफ डिटेल्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दिए, उसके लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप को लगभग 8 गुना और ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती। जरा सोचिए, इतनी ऑब्जर्वेशंस करने में कितना टाइम और एफर्ट्स लगते। सुपर अर्थ की कैटेगरी में आने वाला एक्सोप्लैनेट K2-18b साइज में अर्थ से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 2015 में इसे डिस्कवर किया। हमसे 124 लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद साइंटिस्ट में इस एक्सोप्लैनेट को लेकर बराबर इंटरेस्ट बना हुआ है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि K2-18b अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहा है और इसे अपने स्टार से लगभग उतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी हमें सूरज से मिलती है। इसका मतलब साफ था, यहाँ लाइफ के एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ईयर 2018 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ना बस वाटर वेपर्स डिटेक्ट किए बल्कि बारिश करने वाले बादलों की मौजूदगी का भी अंदाजा लगाया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से K2-18b से आ रही नियर इंफ्रारेड लाइट्स को अलग अलग कलर और वेवलेंथ में ब्रेक करके प्लैनेट के बारे में कई सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए कि यूनिवर्स की हर एक बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी भी रेडिएशन एमिट करती है। आपको जान के हैरानी हो रही होगी, बट इट्स ट्रू। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विजिबल रीजन को अलग अलग कलरफुल स्पेक्ट्रम में ब्रेक करके किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का पता लगाया जा सकता है। K2-18b के स्पेक्ट्रम को स्टडी करने पे हमें ये पता लगा कि इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की ढेर सारी मात्रा है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर में अमोनिया की मात्रा बहुत कम डिटेक्ट करी गई। ये सिर्फ एक बात पे इशारा कर रहा था कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहाँ थे हम? हाँ, ये सिर्फ एक बात पे इशारा कर रहा था। K2-18b एक हाइसियन एक्सोप्लैनेट है, यानी कि ये एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जहाँ हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर होने के साथ साथ पूरा का पूरा प्लैनेट ओशियन से ढका हुआ है। मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा यहाँ एक और एलिमेंट हाई कंसेंट्रेशन में डिटेक्ट हुआ, डाइमिथाइल सल्फाइड, जिसे शॉर्ट में DMS कहते हैं। DMS एक बदबूदार केमिकल होता है जिसे सिर्फ नेचुरली ओशियंस में रह रहे मरीन लाइफ फूड डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि खा पी कर वो गैस निकालते हैं। कुछ जाना पहचाना सा प्रोसेस नहीं लग रहा है? बैक्टीरिया, एल्गे, कोरल्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सब समुद्र में डाइमिथाइल सल्फाइड की मैसिव क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ओशियन से लार्ज अमाउंट में लगातार एमिट हो रही है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बीच पर जाइएगा तो एक लंबी सी सांस लीजिएगा, जो पिक्यूलियर सी समुद्र से स्मेल आ रही होगी वो डाइमिथाइल सल्फाइड की वजह से ही आ रही है। दोस्तों, K2-18b एक्सोप्लैनेट पे डाइमिथाइल सल्फाइड को डिटेक्ट करना एक मैसिव ब्रेक पॉइंट है हमारे एलियन लाइफ की खोज में। इसका डिटेक्शन एलियन लाइफ होने की पॉसिबिलिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है, बट हम 100% श्योरिटी के साथ अभी भी नहीं कह सकते
कि वहां लाइफ प्रेजेंट है। इसके लिए हमें और रिसर्च करने की जरूरत है। लाइफ के और क्लूज मिलेंगे तभी ये कंफर्म कह सकेंगे कि हाँ इस एक्सोप्लैनेट पर लाइफ है। फ्रेंड्स, अगर K2-18b पे एलियन लाइफ कंफर्म भी हो जाती है तो एक तरफ ये हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग होगी, लेकिन दूसरी तरफ हम ठगा सा भी महसूस करेंगे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हमें पता होगा कि दूर कहीं एलियन लाइफ मौजूद है, लेकिन वहां की दूरी इतनी ज्यादा होगी कि हम वहां ना कभी खुद जा पाएंगे और ना कोई प्रोब वहां भेज पाएंगे। हमें पता ही नहीं लगेगा कि वहां किस टाइप की लाइफ रह रही है। लेकिन आप होपलेस मत होइएगा, क्योंकि हमारे बहुत पास एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जहां पर भी एलियन लाइफ मिलने के बहुत चांसेस है, जहां से लाइफ के लगातार पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए।